नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भारत कृषक समाज बड़वानी के द्वारा आज गुरुवार को एसडीएम कार्यालय राजपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि किसानों को सिंचाई के लिए दी जा रही बिजली का समय परिवर्तित किया जाए, किसानों के बढ़ते हुए बिजली बिल माफ किए जाए, बर्बाद हुई फसलों का शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाए, डीजल पेट्रोल के दामों को नियंत्रित किया जाए, खाद की आपूर्ति सरकारी समितियों के माध्यम से कराई जाए, किसान विरोधी अध्यादेश को निरस्त किया जाए, इंदिरा सागर परियोजना की नहरों में पानी छोड़कर तालाबों को भरे जाए, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए, बड़वानी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, समय रहते पेयजल की समस्या का निराकरण किया जाए, जैसे आधी प्रमुख मांगों को लेकर भारत कृषक समाज जिला बड़वानी के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम वीर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। भारत कृषक समाज जिला अध्यक्ष बड़वानी अजय कुमार ठक्कर ने बताया कि आज हम भारत कृषक समाज प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के निर्देश पर एसडीएम कार्यालय प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। अभी ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, आगे हम मांगे पूरी नहीं होने पर जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा एवं आंदोलन भी किया जाएगा। इस दौरान जिला सहकारी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुकेश गोयल, कमल गुप्ता, भागीरथ यादव सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।